ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आ गया है। भोपाल पहुंचे ओवैसी ने सिंधिया के भाजपाई हो जाने पर बड़ा बयान दिया और कांग्रेस की नाकामी पर भी सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा, सिंधिया अगर राज्यसभा जाना चाहते थे तो भेज देते, लेकिन आप राज्यसभा जाना चाहते थे और आपकी नाकामी के चलते शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में कहा, हम तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस देश में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं खत्म हो जाए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुसलमानों से बीजेपी को रोकने का वादा करके वोट लिए, लेकिन अपने विधायकों और सिंधिया तक को नहीं रोक पाए। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर से शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने को लेकर दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया और ये कहा कि दिग्विजय सिंह अगर सिंधिया को राज्यसभा भेज देते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो भाजपा में ना जाते, ना ही शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनते। ओवैसी ने कांग्रेस के खत्म होने का ऐलान करते हुए ये भी कह दिया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा का अगला चुनाव लड़ेगी। Next9 Newsroom की रिपोर्ट।